बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके होस्ट शबाना इशफाक। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ आपके लिए गुलाब जामुन। हम इसके आपके इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं। एक कप चीनी, 8 चम्मच सूखा दूध, 4 चम्मच मैदा, आधा नींबू का रस, 8 इलायचियाँ इसे हमने पीस के रखा हुआ है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप दूध और 2 गिलास पानी। अब हम इसका शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन रखते हैं, उस पर हमने 2 गिलास पानी डालना है। दो गिलास पानी इस पर ऐड, अब इसमें हमने जो चीनी ली थी 1 कटोरी वो डाल देनी है। और जो हमने लेमन लिया था ये हमने 1/2 चम्मच इसमें डाल देना है। ये जो हमने चीनी वो इलायचियाँ हमने जो 8 अदद पीस के रखी थी इसमें हमने 1/2 डाल देनी है, यानी कि 4 इलायचियों के बराबर। अब हमने इसका शीरा बनाना है जब तक इसका एक तार ना बन जाए। जब तक हमारा शीरा तैयार होता है हम गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने सूखा दूध 8 चम्मच लिया था ये हमने बड़े बॉल में डाल लें। 4 चम्मच मैदा ये भी इसके बीच में डाल लें। 1/2 जो हमने 1/2 चम्मच डाल लिया था, बेकिंग पाउडर जो हमने 1/2 चम्मच लिया था ये इसमें डाल दें। आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये एक जान हो जाए अब इसमें हमने 2 चम्मचे ऑयल के डालने हैं। और जो हमने 8 इलायचियाँ थी 4 उसमें डाली हैं, 4 हम इस पे डाल देंगे। और जो 1/2 नींबू लिया था उसका 1/2 रस हमने उस पे डाला है और 1/2 इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हमने मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए, अब ये सारा आपस में मिक्स हो गया है। ये हमने जो 1/2 कप दूध लिया था लेकिन नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसे हमने इसे आराम आराम से डाल के गूंदना है। इसे आराम आराम से डालते रहें ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए अब हमारा डो हो गया तैयार गुलाब जामुन का। अब इसे हम ट्रैप करके 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, फिर हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करें। अब ये देखिए हमारा शीरा हो गया है तैयार। जब एक ऐसे आप करके जिसमें एक ऐसे तार बने तो हमारा शीरा रेडी हो गया है। अब जो हमारा डो था 5 मिनट का उसका भी रेस्ट हो गया है और वो भी तैयार हो गया है। अब हम इसके बनाते हैं गुलाब जामुन। पहले थोड़ा सा हमने इस तरह हाथ को ग्रीस करना है ऑयल से और फिर ऐसे हमने छोटा छोटे से बॉल बना लेनी है। ये देखिए हमारे बॉल ऐसे, अब हमने इसके सारे बॉल बना के रखे हैं। अब हमारे गुलाब जामुन हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, अब हम इसमें ये डालेंगे आराम आराम से।
या आप इसे में सारे डाल दीजिए। ये देखिए हमारे गुलाब जामुनों का कलर कितना प्यारा आ रहा है, लेकिन आपने इसको साथ साथ चलाते रहना है कि कहीं से ज़्यादा डार्क और कहीं से कहीं लाइट ना हो जाए। ऐसे से बराबर इसका चमचा आपने चलाना है और देखिए कितने अच्छे बने, ना ज़रा से टूटे हैं ना बिखरे हैं। और अब हमने इसे ब्राउन होने तक पकाना है। ये जो हमने शीरा बनाया था, अब ये सारे हम गुलाब जामुन उसमें डाल लेंगे। जो हमने मटेरियल लिया था उसके मुताबिक ये हमारे 12 से 14 बनके तैयार होती है। ये हमने अब शीरे में डाल लिए। अब इसे हम 1 घंटे के लिए इसी तरह ही शीरे में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। हमारे गुलाब जामुन हो गए हैं रेडी। देखिए कितने अच्छे और कितने बड़े हो गए हैं फूल के। और ये देखें कितने सॉफ्ट भी हैं। इसे ये देखें कितने अच्छे हमारे गुलाब जामुन लग रहे हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि मुझे बताएं, मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आपकी होस्ट इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।